आइए दोस्तों, मैं इस YouTube वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देता हूं कि एक आशंकित अपराधी फरार व्यक्ति को क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को किसी झूठे अपराध में रिपोर्ट लिखाई गई है या किसी की शिकायत कर दी गई है और वैसा व्यक्ति पुलिस के डर से फरार है या कहीं गुम है, ऐसा इंसान फरार व्यक्ति क्या करे, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। कानून आपके साथ है और आपका निराकरण, समस्या का समाधान करने के लिए न्यायालय है, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करता हूँ। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आशंका है कि मुझे किसी के द्वारा झूठे प्रकरण में फंसा दिया गया है या किसी पुलिस थाना में शिकायत कर दी गई है, तो बिल्कुल न डरें और फरार ना हों। इसके लिए एक कानून में व्यवस्था बनाया गया है जो पुलिस के अंतर्गत उसके पकड़ में, उसके गिरफ्त में नहीं आया है और वह न्यायालय से बाहर है, थाना से बाहर है, तो ऐसी दशा में किसी अधिवक्ता से परामर्श लें और एंटीसिपेटरी बेल का जो है लाभ उठाएं, जिससे आपका पूरा बात जो है न्यायालय सुनेगा और न्यायालय सुनकर उसमें निर्णय देगा, आदेश करेगा। दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल, जिसे हिंदी में अग्रिम जमानत कहा जाता है, जो अग्रिम जमानत का लाभ कोई व्यक्ति आशंकित है कि मुझे किसी प्रकार झूठा प्रकरण में फंसाया जा रहा है, फंसाया गया है, तो ऐसी दशा में अग्रिम जमानत का लाभ लिया जाता है और इसीलिए जो है एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत की जो धारा है बनाई गई है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में इस बात का भलीभांति उल्लेख किया गया है। दोस्तों, कानून से दूर न भागें, कानून हमारे लिए ही बनाया गया है, हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, किसी के ऊपर अन्याय करने के लिए नहीं, न्याय व्यवस्था के लिए बनाया गया है। इसका लाभ उठाएं और अपराध से बचें, अपराधी से दूर रहें, सुंदर भारत निर्माण में अपना विशेष सहयोग प्रदान करें और ऐसा ही कानून की जानकारी लेने के लिए मेरे वीडियो में बने रहें और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।